डिजिटल किसान धार मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल पर किसान भाइयों आपका स्वागत है और हम आपको आज स्टीविया की खेती के बारे में हमारे धार जिले के सरदारपुर तहसील के तिरला गांव के कालू सिंह भैया ये खेती करते हैं किसान भाइयों स्टीविया की और इनसे ही हम अच्छी जानकारी लेंगे सटीक एकदम एक्यूरेट। तो आप को ये स्टीविया की जानकारी दे रहे हैं भाई, ये भैया क्या बो रखा आपने? ये स्टीविया है, ये शुगर फ्री प्लांट है, मतलब शक्कर से लगभग 30 गुना ज़्यादा मीठा है, पर इसमें कैलोरी नहीं है, कैलोरी फ्री है, तो शुगर वाले इसको खा सकते हैं। अच्छा, ये फसल अगर कोई किसान बोना चाहे तो उसको खेत की तैयारी कैसे क्या करना है? एक बार गहरी जुताई करना है पलव से, ताकि क्योंकि ये 3 साल तक पौधा चलेगा। अच्छा, एक बार गहरी जुताई करना पड़ेगी और उसके बाद में जो भी खाद वगैरह डालना है रोटावेटर करके फिर आपको क्यारी बनाना है या बेड बनाना है वो आप बना सकते हो और फिर पौधे लगेंगे। किसान भाई से बेड पे से बो सकता है, क्यारियों से बो सकता है, दोनों तरह से बो सकता है क्या? किसान भाई के पास अगर पानी की दिक्कत है, पानी कम है उसके पास, तो वो बेड बना के ड्रिप से कर सकता है, और पर्याप्त पानी है तो क्यारी बना के खुला पानी दे के भी कर सकता है। अच्छा, ये पौधे अगर हमको तैयार करना है तो हमको नर्सरी तैयार करना है कि डायरेक्ट पौधे लगा सकते हैं? नर्सरी भी तैयार कर सकते हो, पर पौधे लगाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पौधा बिल्कुल तैयार लगाया अपन ने वो काम चालू हो जाएगा, और बीज में क्या है, इसका बीज बहुत बारीक आता है, जर्मिनेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, तो ये जो फसल लगाई आपने इसमें इसकी कौन सी चीज़ बिकती थी? इसके पत्ते बिकते हैं, मतलब ये जो डंठल दिख रहा है ना, ये डंठल छोड़ के जो ये कली इसकी दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, ये पूरा बिक जाएगा। तो इसकी पहली कटिंग हम कितने दिन में ले सकते हैं अगर हम इसका पौधा लगाएं तो? फर्स्ट कटिंग आपकी ये समझो कि 3 महीने में आएगी और उसके बाद में 2-2 महीने के अंतराल में कटता रहेगा। एक बीघे से इसकी कितनी पत्ती निकल सकती है? एक बीघे से साल भर में 15 क्विंटल पत्ती निकलेगी इसमें, पूरे साल में? पूरे साल में। और एक बीघे से अपन कितनी कटिंग ले सकते हैं साल भर में? 4 से 5। 4 से 5। इसमें खाद वगैरह क्या डालना है अपन को? अगर आप रासायनिक कर रहे हो तो 1 बीघे में 50 किलो यूरिया और 6 किलो सल्फर हर कटिंग में लगेगा, और अगर आप जैविक करते हो तो वही वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, वो सारी चीज़ें इनमें डलेगी। अच्छा, इसकी पत्तियों का 1 क्विंटल का रेट क्या रहता है? ये तो मतलब 1 क्विंटल का 10,000 से लगा के 25,000 तक रेट रहता है, जैसी क्वालिटी रहेगी वैसा भाव। इसको बोने का कोई टाइम फिक्स एकदम के उस महीने में बोना अपन को, किसी भी महीने में लगा सकते हैं? ये तो साल भर कभी भी लग जाता है, पर अगर बरसात में आपने लगाया तो जितने पौधे लगाए उतने पौधे सारे चल जाएंगे, और अगर अभी या गर्मी में लगाओगे तो 10% तक लॉस होता है। अच्छा, और इसकी अगर किसान भाई ने ये फसल बोई तो वो बेचेगा कहाँ पे? ये अपने मध्य प्रदेश नीमच मंडी। अच्छा, नीमच मंडी के अलावा और कहाँ पे दूसरी मंडियाँ? दिल्ली खारी बावली है, लखनऊ है, उदयपुर में भी बिकता है, 3-4 मंडियाँ हैं इसकी। अच्छा, और इसकी पानी देने की अगर अपन बात करें तो पानी अपन खुला देना है या मिनी स्प्रिंकलर लगाना है? या खुला भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप खुला भी दे सकते हो। और कोई किसान भाई इससे ये फसल जो बोई है आपने इससे ही अगर बीज लेना चाहे तो कैसे क्या रहता है उसका? उसमें जैसे ये पत्ती की कटिंग 2 महीने में तैयार हो रही है, अगर आपको बीज लेना है तो 4-4.5 महीने इसको रोकना पड़ेगा, और जो इसका जो ये फूल है ये आगे पीछे आता है, तो इसमें बीज भी आगे पीछे पक्का होगा, तो आपको केसी से जो पका बीज है वो डालिया काट काट के अलग कलेक्शन करना पड़ेगा। ये बीज आ गया इतना तो यहाँ से काटना है? जी जी जी। और इसकी मुख्यतः पत्तियां बिकती है? पत्तियां ही बिकती है, और ये पौधा 3 साल तक चलेगा। अच्छा, एक बार लगाओ 3 साल तक कमाओ? हाँ, 3 साल तक कमाओ। बहुत ही अच्छी फसल है, मतलब मुनाफे वाली फसल है, जो अपनी जो आम फसल है उससे तो कई गुना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अपने एक बीघे का खर्चा कितना बैठता है? एक बीघे का खर्चा ये समझो कि आप पौधे लगाते हो तो 45,000 रुपये पौधे के हो गए आपके, और जो भी आपको लगाने को लेबर लगेगी 10,000 रुपये वो मान लो, 55,000 रुपये का खर्चा है। यानी कि एक बार खर्चा करो 3 साल कमाओ। 3 साल कमाओ। हमारे जो भी किसान भाई अगर स्टीविया खेती करना चाहे तो हमारे कालू सिंह भैया आपको सटीक जानकारी और मैं भी मेरे समय अनुसार आपको इनसे संपर्क नहीं हुआ तो मैं भी जानकारी लेके आपको दे सकता हूँ किसान भाइयों। और अच्छी फसल है, एक बार लगाना है अपन को और 3 साल तक कमाना है,
इससे क्या है, पौधा तो 5 साल तक जिंदा रहता है, पर फिर 3 साल बाद क्या होता है इसमें, इसमें इसका कंटेंट कम पड़ने लग जाता है, पत्तियां छोटी होने लग जाती है, प्रोटेक्शन कम हो जाता है। पौधा तो 5 साल तक चलता है, पत्तियां कम निकलने लग जाती है, पत्तियां कम निकलने लग जाती है।